वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, छेड़ने जा रहे हैं। बात तो बहुत होती है ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार ख़वातीन होती हैं उनके हवाले से, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, वो ख़वातीन जो अपने घर से बाहर निकलती हैं, दफातर जाती हैं, जिनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उनको क्या करना चाहिए। हम सिर्फ बात ही किए जा रहे हैं इस पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नंबर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 4th है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपके लिए भी बहुत हैरानकुन होगी जितनी मेरे लिए थी। क्या वजूहात हैं, जब लॉ मौजूद है क्या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, इन तमाम बातों पर आज रोशनी डालेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन जो एक्सपर्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ, जनाब बलखशेर खोसा साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। सबसे पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट, आई एम श्योर इसकी बहुत सारी कैटेगरीज और टाइप्स हैं, कौन कौन इसमें आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो आपके इस शो के तवासत से एक मौका मिलेगा अवामुन्नास को, 25 करोड़ अवाम को, कि दे शुड नो देयर राइट्स एंड दे शुड नो व्हाट एग्जैक्टली दे नीड टू डू, बिकॉज ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में जहाँ हम रहते हैं और स्पेशली जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो रोज़ सीखते हैं, और आज मेरी 25 साल की ये रियाजत है, और इट इज़ एन इनिशियल स्टेज फॉर मी फॉर लर्निंग, बिकॉज यू डोंट एवरी डे। वायलेंस की बदकिस्मती ये है कि हम किसी अच्छी चीज़ का तो कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि उसकी इतनी कैटेगरीज हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि कस्टम कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, नारकोटिक्स की कोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन की कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कि 2020 का एक्ट भी है उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस की जो नेशनल असेंबली ने उसमें उसको अप्रूव किया और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे कानून के मुताबिक उसकी कहा गया कि इसके मुताबिक आपने करना है, उसमें जो डेफिनेशंस और उसमें जो एग्जाम दे दी गई, सपोजिबली एक बहन है उसको माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ वायलेंस, दैट इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल, उसकी शादी हो जाती है तो वो खावंद उसको मारता पीटता है, दैट इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस। वो खावंद काम करने जाता है तो उसकी सास उसको मारती है, और जब खावंद आता है तो तमाशा लगा के बैठी होती है कि तेरी बीवी ने मुझे मारा है, वो फिर मार खाती है, वो भी। सो दैट इज़ ए वायलेंस विच इज़ हस्बैंड, मदर इन लॉ एंड समटाइम्स सिस्टर इन लॉ। सो उस बेचारी को ऐसा वायलेंस देखना पड़ता है कि अब आप देखें, फिर वायलेंस आ जाता है कि आप की डावरी वायलेंस है, दैट इज़ ए वायलेंस एज वेल, कि जहेज कम लेके आई थी तुम, छोटा सेट पहनाया था सास को। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब जिस पर वो खातून एजिटेट करती है अपने माँ बाप से रब्ता करके, तो माँ बाप भी कहते हैं बेटा असी गए सा तो सानू ए क्या गया सी कि ऐस करो जनाजा निकलना है तो तू बस। सो मेरा ख्याल है इस, मैं कहता होता हूँ अक्सर के बच्चों को, मैं जिस तरह आजकल की जनरेशन हैं, मोस्टली मेरी दोस्तियाँ आजकल के यंग बच्चे बच्चियों से होती है, वो मैं खुद करता हूँ, जान के करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हमें सिखाने वाला कोई था, इनको सिखाने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं है, मिस गाइड करने वाले सारे फिर रहे हैं। तो उन बच्चों का जो वर्जन है अपग्रेड है, कंप्यूटर का वर्जन अपग्रेड है, आप अपनी कंपनी अगर चला रहे हैं तो उसका आप सारा सिस्टम कहते हैं इसका अपग्रेड कर लें बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मैं पेरेंट्स को ये कहता होता हूँ, तमाम पेरेंट्स को, चाहे वो लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, बच्ची वाले, बच्चे वाले हैं, फॉर गॉड्स सेक यू ऑल्सो नीड टू अपग्रेड योर वर्जन। और आपका वर्जन अपग्रेड तब होगा जब आप अपने बच्चों पर एतमाद करेंगे, और जब आप बच्चों पर एतमाद करते हैं तो तब ये वायलेंस की किस्में जितनी हैं, अब आप देखें चूल्हा गैस ऑन कर दी जाती है, ठीक है, वो जाती है बेचारी और वो जल जाती है, झुलस जाती है, बिल्कुल, ये भी वायलेंस, वायलेंस है। गैरत के नाम पे जो बहन को मार दिया जाता है, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है वो सिर्फ ये है कि शौहर ने बीवी पर तशद्दुद किया या उसको मार डाला या मारपीट की घर में, लेकिन जो ये सारी आप कैटेगरीज बता रहे हैं इसमें तो शायद घरेलू मुलाजमीन भी आते होंगे जो आजकल हम देख रहे हैं, वो कुंवारी बहनें भी आती होंगी जो सिर्फ अपनी पसंद की शादी का इजहार करती होंगी और बाप की तरफ से या भाई की तरफ से गैरत या ना के नाम पर कुर्बान कर दी जाती होंगी। अच्छा, फिर एक और, मैंने खुद एक केस किया जिसमें एक हिंदू लड़की मुसलमान हुई,
तो बाप को सिर्फ यह था, और उसने शादी कर ली मुसलमान से, ठीक, और उसमें बाप को यह था कि जब आई कम अक्रॉस सो मेनी फोन सितारे, मैंने कहा भाई यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ऑनेस्टी। उसमें इशू ये पता लगा क्योंकि उस खातून के नाम बेटी के नाम जायदाद सारी की हुई थी, वो सिर्फ जायदाद के लिए उसको वापस लाना और उसको कत्ल की धमकियां कि तुम्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। सो देर आर सो मेनी वायलेंसेज विच आर गोइंग ऑन हमारी बच्चियों पे, बच्चों पे, और खास तौर पे सबसे खौफनाक वायलेंस दैट इज द सेक्सुअल अब्यूज वायलेंस। मैंने एक केस किया जिसमें 6 साल की बच्ची थी, वो हमसाया कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। आप यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए जब उस बच्ची का 164 का स्टेटमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने करवाया, तो जज साहब लाल पीले होकर उठ के बाहर आ गए जब बच्ची को पूछा कि क्या किया, किस तरह किया, और मेरा और वो शादीशुदा मर्द था, तूने मुंह काला करना है, तूने 6 साल की बच्ची के साथ ही करना है। मेरा मतलब हमारे अंदर सबसे पहले कहते हैं जो, क्योंकि आई हैव लिव्ड अब्रॉड सो मेनी कंट्रीज एंड आई हैव बीन द कम्युनिटी वेलफेयर अताशी विद द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर इन सो मेनी कंट्रीज, तो वहां पर मेरे डोमेन ही ओवरसीज पाकिस्तानीज होता था। ना खाली यहाँ पे वायलेंस है, वहां पर भी वायलेंस है, वहां पर ये वायलेंस है। एक खातून को फुल डेज पे पाकिस्तानी थी, उसको उसके खामन ने जूतियां मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो वहां पे भी पाकिस्तानी जी माशाल्लाह, इसीलिए हम नंबर 4th पे हैं पूरी दुनिया में, यानी कि ये शर्म का मकाम है हमारे लिए। और हम अपने आप को कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं पे भी इस्लाम की तबलीग में ये कहीं नहीं लिखा हुआ औरत को रब ने निकाला है आपकी पसली से। तो जो चीज पसली से निकलती है यार, वो तो तुम्हारी अपनी क्रिएशन है, कोई थोड़ी शर्म कर लो, प्यार से बात करो, समझा के बात करो, आर्गुमेंट करके बात करो। लेकिन अब फिर एक जो सबसे खौफनाक चीज है जी, जब वो फोन भी करती है 15 पे, तो वो आते हैं 15 वाले, अगर किसी बच्ची की शादी हो गई है तो वो कहते हैं ना जी वो मियां बीवी का लड़ाई झगड़ा है गया, सस दा है गया, तो असी नहीं इंटरवीन करते। वो भाई तुम्हें कानूनी तौर पे इंटरवीन करने की इजाजत दी गई है। अब जो मर्द हजरात हैं हमारे पुलिस स्टेशन में, अब जिस तरह खवातीन के भी पुलिस स्टेशन बना दिए गए हैं, उन खवातीन के भी यही ट्रेनिंग है कि अनु वसना नहीं आया, पहली बात ये सुनते हैं हम बिल्कुल कि इसको बसना नहीं आया। सो वी नीड टू चेंज आवर, बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है भाई घर बनाने के लिए। अब बर्दाश्त सिर्फ औरत ने नहीं करना होता, मर्द ने भी करना है। यस, मर्द ने भी करना होता है। अच्छा, क्या वजह, मैं रीजन कि पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया, ये तो बड़ी ही अलार्मिंग बात है। और गुज़श्ता फ्रॉम लास्ट 1 decade हम तो बड़ी बात भी कर रहे हैं ना, यू नो, वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की, और लेकिन बात करने से क्या होता है जब हमारा जो नंबर है वो ही इतना इंक्रीज होता जाएगा इस तरह से। तो आप वजूहात क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ की जो औरत है वो बर्दाश्त करना उसको चूंकि सिखाया गया है, बताया गया है, इसलिए वो बर्दाश्त किए जा रही है, कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, हल दिखाई नहीं दे रहा, या मर्दों की तरबियत ऐसी है, क्या रीजंस हैं? औरत अपने आप को मजलूम कहना बंद कर दे, दैट इज द ओनली रीजन। वो कहती है मैं बड़ी मजलूम हूँ, बड़ी कमजोर हूँ, और मैं कहता हूँ तुम कमजोर मजलूम कहाँ से हो? तुम 9 महीने बच्चा पेट में लेके फिरती हो और चलती हो, नौकरी करती हो, काम करती हो, तुम रेगिस्तान में तपते हुए सहरा में फुल डेज के साथ खामत को खाना देती हो, पानी देती हो, तुम तो इतनी ताकतवर हो। औरत की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर तुम ना चाहो बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बीवी के रूप में, खामन तुम्हारा तैयार ही ना हो सके और ना दफ्तर जा सके। ब्यूटीफुल, काश ये बात वो मर्द भी समझ सके ना, काश ये बात वो मर्द भी समझ सके जो घर में उस औरत के साथ मार पीट करता है। और फिर जो ज़्यादातर वजूहात हम सुनते हैं उसमें एक ये भी बात है ना कि कितने जाइए, की करिए। तो जब औरत स्ट्रांग होगी, उसकी एजुकेशन पे काम हो रहा होगा, उसके पास कोई स्किल होगा, तो शायद वो बर्दाश्त करना भी छोड़ देगी। देखिए, जब स्किल होता है तो सबसे पहले औरत औरत की बेहतरीन दुश्मन साबित होती है, सास के रूप में, साली के रूप में। वो ऐसी बात करके आएगी अपने बेटे को या अपने भाई को और कान लगा के फिर वो सुनेगी एंड कुट पई है कि नहीं पई। वो भूल जाती हैं वो औरतें कि हम भी किसी के घर में आई थी और हम आज उस सास की जगह ले ली, आज घर हम चला रही हैं, ठीक, हमने मरना है,
अपनी बहू की बेटी की तरह तरबियत करे ताकि मेरी नस्ल को ये लेके आगे चले और मैं मर भी जाऊं तो लोग फखर महसूस करेंगे, यार कमाल की सास थी, इसने बहू को बेटी समझा और बेटी समझ के इसको पाला। जब ये सोच आएगी तो ना बेटा जुरत करेगा मारने की, ना जो सुसर है कभी इंटरवीन करने की जुरत करेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ससुर आके चेक करता है या ससुर आके ये कहता है कि तुमने, हमें तो बच्चे चाहिए भाई, हमें बच्चे पैदा करके दो। बिल्कुल, ओ खुदाया, ये बच्चों वाली मशीन नहीं है, ये तो अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास बनाया, साथी बनाया, और सफर और लिबास से ऐसे ही है कि आप यू कैनॉट स्टैंड वेयर यू फील लाइक देयर इज स्टिंकी मटेरियल, तो हाउ कैन यू लाइक, एक दूसरे का लिबास में से तो खुशबू आनी चाहिए ना, जब खुशबू आती है तो फिर जाके जिंदगी की गाड़ी आगे चलती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा है कि अगर बहू अच्छा जॉब कर रही है, अच्छा कमा रही है, तो सास और या ननंद वो ऐसा पॉइजन करती है कि तेरे से ज्यादा क्यों कमाती है। सबसे पहले तो घर बिठाना है। यस, घर बिठाओ। ओ भाई, पढ़ा लिखा के तुम लेके आए हो, इसका तो काम ही खाना बनाना और बच्चे पालना है, दूसरा काम तो कोई किया जाए नहीं। कोई जानवर नहीं लेके आए कि जिसको बांध दिया है। सबसे पहले नंबर वन, औरत अपने आप को मजलूम कहना बंद कर दे। नंबर दो, जब मर्द और औरत की शादी हो तो वो अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए, और इसको शरीयत ने भी कवर दिया है कि जब तक जान ना लो रिश्ते मत बनाओ। वो तो हमने एग्जांपल्स देखनी नहीं है ना, जो शरीयत की आप बात करें या मजहब की बात करें, कितना क्लियरली सब कुछ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आकर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर हमने इन एग्जांपल्स, अच्छा बड़ी अच्छी आपने ये बात की कि सबसे पहले घर बिठा दिया जाता है और जो है वो बहनें या सास जो है वो शोहर के कान में डालती है। अब शहर में ऑपोजिट है और गांव में डिफरेंट सिचुएशन ही है, वहां पे औरत ज्यादा काम कर रही है, ऐसे ही वहां पे मर्द को खिला रही है, ऐसे और शहर में जो कर सकती है उसको घर बिठा दिया जाता है। और फिर कहते हैं कि अब बर्डन ऑफ हो गया हूँ, फीसें नहीं दी जा रही, बिल्स नहीं दिए जा रहे। आप देखें ना, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारे लिए तो रोल मॉडल है कि अमीर तरीन खातून थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज होने का एजाज मिला, जन्नत की अव्वल खातून, और वो कारोबार मर्दों से करती थी, यहूद से करती थी, कुफार से करती थी। यस यस, तो जब वो रोल मॉडल है, खातून अव्वल है, तो आप शादी का पैगाम भी खुद भिजवा रही हैं। यस, तो फिर और इस्लाम में अपना जितना दे सकती थी माल और दौलत और गनीमत अल्लाह के हजूर पेश कर दी, तो अगर वो कर सकती हैं तो यहाँ पर औरत क्यों नहीं काम कर सकती। करेक्ट। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि उन ख़वातीन के पास जो कि ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, क्या ऑप्शंस, क्या रास्ते मौजूद हैं, लीगल हेल्प किस तरीके से ली जा सकती है? देखें जी, सबसे पहले तो अगर आपकी पुलिस नहीं सुनती तो हेल्प विद इट, ये माशरा ऐसा ही है, ये ऐसे ही चलते रहना। अगर मैं कहूँ रिफॉर्म्स हो जाएंगी, इधर कुछ भी आप कर रहे हैं, जब तक आप एजुकेशन लेवल नहीं इम्प्रूव करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम देहात, तब तक ये कुछ नहीं बन रहा। आप देख लें हमारे मुल्क का सिनेरियो देख लीजिए, लेट्स गो टू बलूचिस्तान, खवातीन को पढ़ना ही नहीं, वहाँ भेजा ही नहीं जाता, ठीक है, आगे आ जाए सिंध, आ जाएँ सिंध, अगर बलूचिस्तान में 90% खवातीन को नहीं पढ़ाते तो सिंध में 70% नहीं पढ़ाते, आगे आ जाए केपीके में, आ जाए केपीके में, वो कहते हैं इनको पढ़ा के करना क्या, ठीक है। अब रहा बचा, रह गया आपका पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, सकरदू, नॉर्दर्न एरिया रह गया, वहां पर खवातीन को पढ़ाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अच्छा है, यहां पे यस वहां पढ़ाते हैं, वहां पढ़ाते हैं, यहां पे पढ़ाते हैं। तो जब इस मुल्क की खवातीन को ये कहना है कि तुमने मार कुटाई सहनी है, तुमने गाली गलूज सहनी है, तुमने बाहर नहीं निकलना, वो कई तो ऐसा टॉर्चर होता है, ये जो रिपोर्ट आपको ये सर, वो तो सामने ही नहीं आता, yes, वो तो तस्वीर मेरे ख्याल से हमने देखी भी नहीं है, जो लोग जाते हैं, जो लोग उनसे मिलते हैं, जिनका इंटरेक्शन है, ओनली दे गेट टू नो कि वहाँ की खवातीन किस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको बताऊँ जो 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 ये थल के इलाके हैं, yes, जहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, उसने कहा जी अगर हम ये ना करें तो हमें हमारे घर जला दें, डाकू आते हैं और उनकी बच्चियों को, उनकी बेगमात को ऐसे भेड़ बकरियां इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं हमारे सामने करते हैं, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। आप देखिए वहां पे रेट ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है। जब तक आपके फंडामेंटल राइट्स, जिसको
कहा गया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वाइफ, बेटी, उसको इंश्राइन कर दिया गया कि हर हाल में स्टेट ने करना है। और स्टेट कौन होती है? एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट कौन होती है? इंप्लीमेंटेशन किसने करानी होती है? अदलिया ने। आप सीधा कोर्ट में जाएं, अगर आपकी कोई नहीं सुनता ना, स्ट्रेट अवे गो टू द कोर्ट। कोर्ट में जाएं, फैमिली कोर्ट्स हैं आपकी, आपकी 22A 22B के तहत कोर्ट्स जो हैं वो ऑपरेटिव हैं, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन दें, दरख्वास्त दें। उसके अलावा आपकी ओम्बड्समैन है, वुमेन्स ओम्बड्समैन, आप उधर एप्लीकेशन दें अपनी, उधर दादरसी आपकी होती है। ठीक है, वुमेन्स ओम्बड्समैन में तो आपसे किसी ने खर्चा भी नहीं लेना, फीस भी नहीं लेनी आपने आपसे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कई हमारे जो लॉयर्स हैं, यंग बच्चे बच्ची हैं, वो प्रो बोनो भी करते हैं केसेस। सो यू हैव ए, बट यू हैव टू बी कमिटेड विद योरसेल्फ कि मैं ये जो स्टेप लेने जा रही हूँ मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे बदकिस्मती एक और भी होती है कि शादी हो गई, क्लास फेलो है, उसके साथ भी अफेयर चल रहा है, ज़बरदस्ती शादी हो गई, बच्चे भी पैदा कर लिए, अब उसको भी पैसे पहुँचाती है माजरत से। ये हमारी रियलिटी है जो हम देखते हैं केसेस में। ठीक है, एक केस मैंने इसी तरह किया, उसमें कुछ 600 कॉलर थी, मैंने कहा ये किसको मिला थी? आजकल तो एक काफी केस वायरल भी है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे केस। तो ये देखे ना, कुछ खातून को भी अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। जिससे शादी करनी है उसी से करो यार, तुम्हें कोई बंदिश नहीं है, तुम्हारा ये शरीयत के मुताबिक राइट है और तुम्हारे कानून के मुताबिक भी ये राइट है कि तुम जिससे मोहब्बत करती हो या जिसके साथ तुम्हारी केमिस्ट्री मैच करती है। अब ये होता है मोहब्बत की शादी तो हो जाती है, लेकिन बाद जब बाद में खर्चे उठाने पड़ते हैं तो वो जो मोहब्बत वाला मर्द होता है वो कहता है तू ही ले क्या सारा कुछ। सो दैट इज वन ऑफ द फ्लोज। ठीक है, अच्छा कोहे साहब, ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं अभी सारा कि ये खवातीन या ये ऑप्शन जो हैं वो कर सकती हैं, लीगल हेल्प किस तरीके से हो सकती है, जब ये आपने परसू कर ली, उसके बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है खातून को? देखिए, उसके बाद उसके लिए मुश्किलात होती हैं, उसको थ्रेट्स आते हैं, उसको अपने पेरेंट्स से भी थ्रेट्स आते हैं, प्रेशर किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, और उसको इन लॉज की तरफ से भी थ्रेट्स आते हैं। नाउ शी इज हेल्पलेस वे टू लिव, अदरवाइज तो जो सोशल प्रोटेक्शन ब्यूरो है उन्होंने तो कहा कि इन खवातीन को हम रखेंगे, बिल्कुल, लेकिन इन खवातीन को जहाँ पे रखा जाता है नाउज बिल्ला, वहाँ पे भी वो अपनी इज्जत बचा के आती हैं कि जो वहाँ पे जो वार्डन होती हैं, जो वो कहती हैं उनसे, उनको वो काम करने को कहती हैं जो एक शरीफ खातून या शरीफ बच्ची नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है उस पर भी गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस सख्त किस्म का। अच्छा, आप समझते हैं कि सजा हमारे यहाँ सख्त है, इस पर काम हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन है, लॉ तो मौजूद ही है, हर चीज़ का मौजूद है, लेकिन फिर भी इसमें कमी क्यों नहीं आ रही है, उसकी क्या वजह है? कमी इसलिए नहीं आ रही है कि वो खातून जो है बैकआउट कर जाती है, वो इतना तो प्रेशर, फिर वो ऑप्शन परसू करती है कि चलो घर बसाने की एक और कोशिश कर लेती हूँ। और फिर ऐसे केसेस में अगर ट्रायल भी चलता है तो कोई विटनेस नहीं होती, देयर इज नो विटनेस, एक विटनेस वो खातून ही होती है। सपोजिवली एक बच्ची रेप हो गई है या उसको बिला फुसला के उसके ड्रिंक में कोई चीज़ डाल के उसको क्लास फेलोज ने रेप कर दिया। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला ये होता है कि इन व्याण है, बिल्कुल ठीक है, मीडिया तो नहीं लेके आना, मीडिया फैमिली तक बात छुपाई जाती है। यस, तो वो इसलिए वो केसेस वहीं पे दब जाते हैं। सो दैट इज अ डिलेमा। अब जिस तरह हमारी एक इसी तरह स्टूडेंट्स के एक हुआ, उसने उसको छुरियां मारी, तो वो बच्ची ने तो फाइट किया, उस बच्ची ने फाइट किया और उसने उसको सुप्रीम कोर्ट तक कन्विक्शन दिलवाई। अब ऐसा फिर होता है, फिर बदकिस्मती ये होती है कि ऐसी बच्चियों से जेन्युइनली कोई शादी नहीं करता, कि ये तो भाई बहुत भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, ज्यादा ही इंडिपेंडेंट है। अब हम पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव ले जाते हैं, हमारी बदकिस्मती ही है। देखें ना, हम डर जाते हैं शायद ऐसी औरत, देखें ना, घबरा जाते हैं। अल्लाह पाक ने हर चीज को कहा है कि अल्लाह पाक को खूबसूरती बड़ी पसंद है, अगर ना हो तो इतना खूबसूरत जहान ना बनाए। रेनबो अल्लाह पाक निकालती है, अल्लाह पाक तस्वर करते हैं, तस्खीर करते हैं, या तस्वर करते हैं। देखिए, हम अगर मैं सपोजिवली कहता हूँ कि शी इज लुकिंग वेरी स्टनिंग माशाल्लाह, इट डजंट मीन कि मेरी नीयत खराब है। तो आपने अपने रवैयों को तब्दील करना, रवैये तभी तब्दील होते हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले आदम बनाए और फिर आदम की पसली से औरत बनाई, ऐसे ही है जी। मतलब ये है कि मर्द की शान औरत है, उसकी खूबसूरती औरत है, उसका मान औरत है। सो इसलिए उसको रिस्पेक्ट भी आपने उतनी देनी है। आपकी पसली में थोड़ी सी तकलीफ हो, कितना आप बिल्कुल तुझे लम्हे पै जाते हो, लेकिन जब नहीं होती तो वो आपकी खूबसूरती है। सो
इसलिए अल्लाह पाक ने सबसे पहले आदमी बनाया, औरत बनाई उससे, और फिर उसके बाद तौरात आई, जबूर आई, इंजील आई, फिर कुरान आया. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मेन एंड वुमेन बोथ. अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम समझ के पढ़ लें. मेरे साथ एक मस्जिद में बैठा हुआ तो एक बच्चे को कारी साहब पढ़ा रहे, तो मैंने उनसे बोला खमसम हमीदा, कहते समझ कुछ नहीं आई. तो मैं कहा जो उन्होंने पढ़ा रहे उन्हें कुछ समझ नहीं आनी. मैं कहीं कोरियन बोला मैंने, उसका मतलब है कैसे हैं आप. अच्छा, मैंने कहा खुदाया आज की जनरेशन को, बच्चा हो या बच्ची हो, ये आईने आईने खुदा दाद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी हुई किताब है, इसको तो समझ लें, मायने और मफहूम पढ़ा दें, तो आप यकीन करें कि औरत के पैरों तले जन्नत ऐसे नहीं दी गई. कोई रीजन था अल्लाह ने दे दी कि उसको मोतबर कर दिया हर चीज से. अब आप ये देखें ना, इससे बड़ा एजाज अल्लाह पाक क्या दे सकता है, और उससे बड़ा एजाज अल्लाह पाक हम इंसानों को क्या दे सकता है कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो वो पहले पैर से हमारी रूह कब्ज करना शुरू कर. बिल्कुल, मतलब ये है कि अफजलियत अल्लाह पाक ने वहां भी रख दी. थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए. लास्ट शॉर्ट कमेंट, अ मैसेज जो आपको देख रहे हैं इस वक्त. हमेशा पॉजिटिव रहें लाइफ में, रेजिस्टेंस भी पॉजिटिविटी का दें लोगों को, चाहे वो बाप हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो खामद हो, और कभी भी इज्जत रिस्पेक्ट का दामन हाथ से ना छोड़ने दें. और हमेशा ये कहें अल्लाह पाक तू मेरे लिए रास्ते खोल दे, आसानियां पैदा कर, सक्सेस विल कम योर वे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन प्रोग्राम सुबह का सितारा. दूसरों की लगाई आग में अपने घर को नाज़रीन हरगिज़ मत जलाएं. ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, इनकी कदर करना सीखें अपनी ज़िंदगी में. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. स्टे विद अस.